25 फरवरी और 26 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के सिंह राशि फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे और योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं 25 अप्रैल का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी जो सुबह छः बजकर पैंतालीस मिनट से लगेगी विशाखा नक्षत्र रहेगा जो कि एक अच्छा मिश्र और अच्छा स्वभाव का नक्षत्र है नाम का योग बनेगा जिसके स्वामी कुबेर होते हैं चंद्रमा तुला राशि में होंगे रात्रि तक रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में है और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बना हुआ है अगर इस दिन के राहु काल की हम समय करें वो समय जिस अवधि में आपको कोई नया कार्य कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए तो वो होगा दोपहर एक बजकर अट्ठावन मिनट से शाम तीन बजकर छत्तीस मिनट तक और अगर हम शुभ समय की बात करें तो सुबह चार बजकर अट्ठावन मिनट से छह बजकर इकतालीस और सुबह के ग्यारह बजकर तिरपन मिनट से बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक सबसे अधिक शुभ समय आज का रहेगा छब्बीस अप्रैल की अगर बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि जो सुबह सात बजकर पैंतालीस मिनट से शुरू होगी अनुराधा नक्षत्र जो कि एक अच्छा नक्षत्र है मैत्री नक्षत्र है स्वभाव अच्छा है और जो योग है वो परिग्राम का बनेगा चंद्रमा राशि बदलकर रात्रि में वृश्चिक राशि में आ चुके हैं जिससे चंद्रमा की नीच राशि होती है सूर्य मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में है और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी बना हुआ है इस दिन के राहु काल के समय की अगर बात की जाए तो सुबह दस बजकर चालीस मिनट से बारह बजकर उन्नीस मिनट तक रहेगा सबसे शुभ समय जो होगा वो होगा सुबह ग्यारह बजकर तिरपन मिनट से दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक और शाम को छह बावन से सात चौदह तक तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा किस तरह से ये दो दिन आपके लिए रहेंगे चलिए जानते हैं पहले बात करेंगे पच्चीस अप्रैल के बारे में तो देखिए इस दिन अगर आपका स्वास्थ्य हम देखें तो स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा कोई अगर परेशानी चल रही है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी अगर आप ऑफिस में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं तो थोड़ा एनर्जी लो फील कर सकते हैं बाकी धन संपत्ति के मामले में आज चीजें अच्छी रहेंगी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है जो तुला राशि में चंद्रमा है वो थोड़ा बहुत कहीं यहाँ थोड़ी सी चिंता दे सकते हैं काम के प्रति लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं हमेशा एक जैसी नहीं होती हमेशा फ्लक्चुएट करती हैं तो ये समय होगा आपके दोस्तों के साथ समय बिताने का बताने के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है और बहुत सी चीज़ों में आज का दिन बहुत लकी भी रहेगा इच्छाएं बिना मांगे पूरी होती होंगी ऐसी इच्छाएं भी आज आपकी हो सकती हैं घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होगा जीवन साथी के सहयोग से आपका कामकाज अच्छा चलेगा अगर आप किसी तरह का कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो उसके लिए चीज, चीज़ें जो हैं अच्छी रहेंगी कुछ लग्जरी चीज़ों की खरीदारी का योग भी बना हुआ है कोई लग्जरी सामान आज आप ख़रीद सकते हैं किसी समझौते या किसी और माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई हैं देखिए तो आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार की गुंजाइशें हैं आप थोड़ा सा चीज़ों में ध्यान रखना है कि कोई कागजी आप काम करते हैं तो वहां ध्यान रखें किसी तरह का ऋण आज ना लें तो अच्छा रहेगा काम की चीजों पर ज़्यादा ध्यान दें और कल्पनाशील चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं जो एनर्जी देने का कार्य करेंगे जो आपको फुल एनर्जी से काम करने के लिए आज आगे लेकर जाएंगे कुछ बचत करते हुए भी दिखाई देंगे कुछ ऐसे कामों से दूर रहें जो चालाकी भरे हैं या जो किसी तरह के जोखिम वाले हैं उन चीज़ों से दूर रहना है अगर आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन आज आपका अच्छा है वैवाहिक जीवन भी आज आपका अच्छा बना हुआ है आज का दिन अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं और आप शेयर करेंगे तो आपका जो मन है वो शांत रहेगा कामकाज की स्थिति में आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और अपनी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप कुछ भी असंभव चीज़ों को संभव बना सकते हैं क्योंकि सिंह राशि के जो जातक ये सूर्य की राशि है और सूर्य की अकेली एक ही राशि सिंह राशि होती है सूर्य का तेज है नेतृत्व करने की आपके अंदर क्षमता है गुण है लोगों को एक अच्छा डिसीजन लोगों को एक अच्छा नजरिया आप दे सकते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आज का जो दिन है काफ़ी अच्छा है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, का काम करते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं जो आपके छोटे भाई हैं वो आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिव रहेंगे और किसी भी तरह का हार्ड वर्क अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आज आप तैयार रहेंगे छब्बीस अप्रैल की बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ गए हैं अब यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं लेकिन चंद्रमा अभी अपनी फुल पावर में है और चंद्रमा की जो नक्षत्र है वो भी काफी अच्छा नक्षत्र है तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी चौथे भाव के चंद्रमा थोड़ा सा मन को प्रभावित करेंगे लेकिन माता के साथ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा बनाकर रखेंगे सुख मिलेगा वैभव मिलेगा आपके जो आसपास की चीजें हैं उन सभी चीजों की तरफ आप ध्यान देंगे अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे और ये बात कहने में कोई दो राय नहीं कि आज आपका सौभाग्य आपके साथ होगा आप पाएंगे कि अपने सभी लक्ष्यों को चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो आसानी से आप प्राप्त करना चाहेंगे और आसानी से आप अपनी मेहनत से प्राप्त भी कर लेंगे अपने सपनों को पाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके पास वो एनर्जी है आप उस एनर्जी को एकत्रित कर पाएंगे अपने लक्ष्य को पाने की तरफ मेहनत भी करेंगे और आप पाएंगे कि आपको जो खुशी मिल रही है वो आपको मोटिवेट कर रही है तो अपनी हर एक चीज पर आपको ध्यान देना है किसी भी चीज़ को इग्नोर किए बिना किसी भी चीज़ को पीछे छोड़े बिना अगर आप अपने लाभ को अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज इस दिशा में आपको भरपूर कोशिश करने का दिन है हालांकि थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो चीज़ों को आगे लेकर जाना लेकिन जो भी बन सके आप जरूर करें क्योंकि सही समय पर सही प्रयास आपको अधिक से अधिक लाभ देगा आपके आगे आने वाले भविष्य को सिक्योर करेगा रिश्तों की बात कर लेते हैं अगर आप अकेले हैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी ये सोचने पर आप मजबूर हो सकते हैं जो सिंगल जातक हैं या विवाह के योग्य हैं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए तो थोड़ी सी रिश्तों को लेकर थोड़ी निराशा भी हो सकती है अभी तक अगर आपको पार्टनर नहीं मिल पाया है तो आशा रखें क्योंकि आपके वो व्यक्ति आपके आसपास ही हो सकता है तो यहाँ चीज़ें जो हैं रिश्तों के मामले में ठीक ठाक रहने वाली हैं सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों दिन बना है तो जिन भी कामों से आप जुड़े हैं जिन कामों को कर रहे हैं वहां से अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के योग बनेंगे नक्षत्र बहुत अच्छे हैं तो मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी और जब आपका मन स्थिर है मानसिक स्थिति अच्छी है तो हर एक चीज पर ध्यान दे पाएंगे क्योंकि मन है जो काम में लगाता है मन है जो रिश्तों को संभालता है तो हर एक चीज़ की तरफ आप अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर देखिए गुरुवार का दिन है और एक शुक्रवार का दिन है चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो आप अप, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हरी चीज़ों का खाना शुरू करेंगे हरी चीज़ें खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बाकी उपाय के तौर पर आप सूर्य देव को जल दें वो आपके लिए अच्छा है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें